आजकल कई राज्यों में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि आप इतिहास बना तो सकते हैं, क्या आप इतिहास को बदल भी सकते हैं? शायद बदलना संभव नहीं है। कागज़ों में आप नाम बदल लीजिए। मोहाली का नाम आपने साहबजादा अजीत नगर कर दिया। मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने इसको मोहाली के अतिरिक्त और किसी नाम से पुकारा हो। रोपड़ का रूपनगर कर दिया, गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया, लेकिन लोग वही पुराने नाम बोल रहे हैं, वही पुराने नाम ले रहे हैं। तो अगर नाम बदलने से आप समझते हैं इतिहास बदल जाएगा, तो फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आप सिखों को रोकेंगे कि वो गुरु ग्रंथ साहब को मत्था न टेकें, क्योंकि इसमें मुसलमान कबीर की वाणी भी है? क्या आप हिंदुओं के मंदिरों में कबीर के कैसेट चलने से मना करेंगे, क्योंकि कबीर तो मुसलमान थे, जुड़ाहे थे, नीरू के घर पे पले थे, उनके बच्चे भी मुसलमान थे, कमाल और कमाली, तो क्या करेंगे आप उनका? और क्या आप उन हिंदुओं को रोक पाएंगे जो मुसलमान पीरों फकीरों की दरगाहों पर जाकर मन्नतें मांगते हैं हज़ारों की तादाद में, धागे बांधते हैं वहाँ जालियों पर जाके, मत्थे टेकते हैं, सिजदे करते हैं, उनको आप रोक सकेंगे? अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर शहर का नाम बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।